इंसान को जितना भी दे दो उतना कम पड़ता है। जितना उनका मदद करते जाओ उतना वो सोचते हैं कि और हमें मदद मिले। जितना उनका सेवा करो वो सोचते हैं कि उतनी और सेवा मुझे मिल पाए। जितना उन्हें प्यार करो, जितना उन्हें मोहब्बत दिखाओ, वो सोचते हैं कहीं ना कहीं इस प्यार में कमी है। क्रिस में मेरे प्यारे विश्वासियों, इज़राइली जनता भी ऐसे ही थी। जितना ज्यादा ईश्वर ने उनका ख्याल किया, उनको प्रेम दिखाया, उनकी मदद की, उतना ही ज्यादा वे उनके खिलाफ होने लगे, बुनबुनाने लगे, षड्यंत्र रचने लगे। आज का पहले पाठ में हम देखेंगे किस प्रकार इज़राइली लोग मूसा द्वारा ईश्वर को ठोसते हैं। जो चुनौती प्रभु ने उनको दी थी, जो चुनौती प्रभु ने उनको मिस्र देश से वापस आने की दी थी, वो उनमें डटे नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें विश्वास की कमी थी, भरोसा का कमी थी। इसलिए वे मूसा से पूछते हैं, आपने हमें यहां क्यों लाया? वहां इतना अच्छे थे हम लोग, क्या वहां शमशान घाट नहीं? हमें मरने के लिए, सड़कों में मरने के लिए हमें आप क्यों लेके आए? हम क्या करने वाले यहां पे? क्रिस में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, जब ईश्वर की योजनाओं को हम समझते नहीं, जब ईश्वर की राह को हम पहचानते नहीं, हम भी उन इज़राइल के समान पाप के दास में बने रहने के लिए बहुत आनंदित, बहुत खुश होते हैं। जब हम ईश्वर को पहचानते हैं, उनको अनुभव करते हैं, उस पाप से दूर आने के लिए कोशिश करते हैं, एक नया चुनौती अपनाने के लिए कोशिश करते हैं, एक नया जीवन अपनाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए मूसा लोगों से कहते हैं, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा, किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 13, वही वचन आज आपको और मुझे। प्रभु कहते हैं, डरो मत। हमें आज के दिन क्या डर है, या किसकी डर है, किस प्रकार की डर हमें आज भी महसूस होती है? क्या मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करता हूं? सुसमाचार में देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए, कितने लोगों को उन्होंने चंगाई की, तब भी आज का सुसमाचार में फारिसी लोग कहते हैं, हमें एक चिन्ह दिखाइएगा, हमें ऐसे चिन्ह दिखाएगा ताकि हम अपने विश्वास करें। क्या प्रभु को कैसा लगा होगा ये प्रश्न सुनकर, ये फरीसियों का मन को सुनकर प्रभु को क्या लगा होगा? प्रिय भाई तथा बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मनुष्य को जितना भी दे दो उतना कम होता है। क्या मैं भी उन्हीं के समान, उस फरीसियों के समान, उस इज़राइलियों के समान हूं? ईश्वर मुझे इतना देते हैं, मुझे इस जीवन को दिया है उन्होंने, मुझे परिवार को दिया है, परिवार में शांति दी है, सब कुछ होने के बावजूद भी आज का दिन प्रभु के खिलाफ मैं क्या करता हूं? क्या मैं भी प्रश्न उठाता हूं उनके खिलाफ, या सच्चाई का मार्ग अपनाने के लिए कोशिश करता हूं? उन फरीसियों के समान, उस इज़राइलियों के समान ना बने और एक विश्वासी बने, एक प्रभु का अनुयायी बने और उनका अनुसरण करने के लिए कोशिश करें। आमीन।